हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सियाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा आज जो है केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका जो मैं आंसर लेके आ चुका हूँ। आपके पास जो भी सेट हो, ए से लेकर जे तक, आप जो है उसमें मिला सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है क्वेश्चन और आंसर के साथ जो है बताने वाला हूँ आंसर, और पूरा जो आंसर सही होगा, उसमें गलतियाँ कोई नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है मिला ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे जो है जनरली जो है मैं क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन सेट ए का यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन ए का हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरह, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो आप दोस्तों क्वेश्चन और आंसर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो लंबा वीडियो बन सकता है। इसीलिए जो मैं इसका आंसर ओनली टिक जो लगाया हूँ, वो वहीं उसका आंसर होगा। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा डायमंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो भी टिक मैं लगाया हूँ वो उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर बी ग्लास। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर Fe3O4। और क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर यहाँ पे Fe3O4, यानी कि ये जो है थ्री का आंसर है, गलत यहाँ पर लग गया है। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर यानी कि 6 होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दोस्तों इसका P = CrT। यहाँ पे यदि और आता है π = ICrT भी होता है, वो निकल जाता है फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जो है टेम्परेचर इज लो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर होगा सैल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो होते हैं SPM में वो सैल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट नहीं होता है। तो सेवन का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट का भी आंसर ऑस्मोसिस होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर होगा ओबेरॉल्स लॉ ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है दोस्तों टेंथ है, तो टेंथ का जो आंसर होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि टेंथ का आंसर ए। अलेवेंथ का आंसर दोस्तों कॉपर होगा सी। ट्वेल्थ का आंसर आपको यहाँ पे दोस्तों होगा CH3 bond CH OH bond COOH, यानी डी इसका आंसर होगा। इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे तरह से भी बनता है, तो यहाँ पे उसको मैं नहीं बताऊँगा, दूसरे आप रिएक्शन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो भी ऑप्शन दिया है इसमें पूरा गलत है। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि जो है बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को मिस प्रिंट किया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन टी यानी हाफ लाइफ जो होता है, तो T1/2 = 0.693/K होता है। तो यहाँ पे 0.83, इसमें किसी भी ऑप्शन में 93 नहीं दिया, इसीलिए इसका आंसर जो है आपको बोनस में मिलेगा। आप कोई भी लगाए होंगे, एक नंबर आपको बोनस में मिलेगा 13 नंबर क्वेश्चन का, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है, वैल्यू होता है T1/2 = 0.693/K, ये होता है। लेकिन इस ऑप्शन में चारों में कोई नहीं है, तो 13 का आंसर में आपको बोनस मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे जो बताया गया है, जो रिएक्शन एक दिया गया है जिसमें से टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करता है, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ NH2 इंक्रीज। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं रिएक्शन कराया, तो यह थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। तो इसको जो भी क्वेश्चन आगे आने वाला है उसको मैं बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। इट में भी इसका यही आंसर होगा, क्योंकि मैं देखा तो NH3 इज इंक्रीजिंग दिखा रहा था। और जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको ये होगा एक्टिव मास। और यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि दोस्तों कुछ और जो क्वेश्चन जो है अभी नहीं आए हुए हैं, और उसका आंसर भी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो है दोस्तों 15 के बाद जो है कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट हुए, यानी जो भेजे हैं उनके पास से नहीं आया हुआ। जो भी स्टूडेंट भेज रहे हैं, जल्दी मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, या उसको कमेंट में डाल लूँगा, या जो है कम्युनिकेटी टैब में डाल दूँगा उसका आंसर। तो 15 से लेकर कुछ क्वेश्चन जो है मिसिंग है, और जो भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है, उसका आंसर पूरा करेक्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो बीच में छूट गया है उसका आंसर मैं दूँगा। अब यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी कि CH3 bond NH2 है, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH होता है, आपको मालूम ही होगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द एनिलीन इज,
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर एक होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यदि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पूछता तो दो होता। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 6 होगा। आप इसका बहुत ही आसान था, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे शुरू में। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ये पूछा है, बेंजीन का फार्मूला था C6H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा डी। आप इसको जानते ही होंगे कि आपको फिनॉल का क्या होता है, बेंजीन बना कर उस पर OS ग्रुप जो है लग जाते हैं उसे फिनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है आंसर होगा, यानी कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो R बॉन्ड COO बॉन्ड R भी होता है। आप देख सकते हैं ये होगा ये वाला, और दूसरा भी एक तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन जो है रिएक्शन यानी कि रिड्यूशन विद LiS से कर रहा है, तो उसके बाद जो है यह सेकेंडरी अल्कोहल देगा। यदि यही क्वेश्चन LiLH4 रहता तो यह जो प्राइमरी अल्कोहल होता, लेकिन इसका आंसर 40 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है यहाँ पे CONH2 का जो है पूछा गया है कि किस ग्रुप से पाया जाता है, तो एमीडो ग्रुप से पाया जाता है, क्योंकि NH2 है। यदि NH3 रहता तो एमिनो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपको CWS ग्रुप इज एमिनो एसिड इज HNA2, ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आंसर अभी नहीं मिला है आपको, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, या जो है मैं आपको कम्युनिकेटी टाइम में दे दूंगा। तो बस दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं आंसर बताया उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आप अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ है, और जो 20 का जो आंसर छूटा है उसको मैं देने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, BSmile, BFP, टेक केयर एंड बाय बाय। आप जो है दोस्तों अपने क्वेश्चन मिलाकर सेटिस्फाइड हो जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।